सीनियर भाई, वो शाहरुख खान है भाई, किसका विरोध कर रहे यार, इन्हें समझाओ यार थोड़ा बहुत यार। दुबई का बादशाह है, बादशाह जिसका वो है, जिसको किंग है वो, दुबई का किंग शाहरुख खान भाई, अभी अभी पता चला किसका बायकॉट कर रहे हो, तो पूछो इनसे। चने बिकवाने की बात कर रहे हैं, आने वाली तुम्हारी पीढ़ी को खरीद लेगा वो। नमस्कार, आप देख रहे हैं YouTube चैनल मन में झाक, मैं हूं आपकी साथ सिकंदर राणा, और बात करेंगे कल रिलीज होने वाली पठान मूवी पर। दोस्तों आज मैं आपको लाया हूं पंडित दीनदयाल उपाध्याय गंगा ब्रिज यानी रुड़की गंग ब्रिज के ऊपर, और यहां हम लोगों से जनता की राय जानेंगे कल पठान मूवी पे क्या ओपिनियन दे रहे हैं। और कल देश में रिलीज हो रही है पठान मूवी, जिसको लेकर काफी विवाद हो रहा है, और विवादित मूवी बताई जा रही है कि इसके अंदर बेशरम रंग का भी प्रचार किया गया है। कल पठान मूवी रिलीज होगी, क्या देखने जाएंगे आप? जी हम जरूर देखने जाएंगे। और बेशरम रंग के बारे में क्या कहेंगे? वो भी बहुत अच्छी मूवी है बिल्कुल, क्योंकि शाहरुख खान की है, वो तो फेवरेट है, उसको तो देखना चाहेंगे। पठान मूवी हम कल देखेंगे ना, तब बताएंगे। और इस पे तो विवाद हो रहा है कि पठान मूवी जो भी देखने जाएगा वो तो वो हमारे धर्म में से नहीं है। सर ये हम न्यूज़ वगैरह तो देखते नहीं है ज्यादा, हमें पढ़ाई से फुर्सत नहीं मिलती। अच्छा स्टूडेंट है आप, अच्छा स्टूडेंट के ऊपर कितना असर पड़ा है इस मूवी का, कि भाई रिलीज होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? मूवी का स्टूडेंट के ऊपर बहुत ज्यादा असर पड़ रहा, सब कह रहे हैं देखेंगे देखेंगे देखेंगे, बहुत बहुत उत्साह है, देखेंगे देखेंगे। चाउमीन खा रहे हैं, चाउमीन की चुस्कियों में पठान मूवी की बात। भैया क्या नाम है आपका? भैया मेरा नाम रोहित चौधरी। रोहित चौधरी जरा कैमरे पे आ जाए जी बिल्कुल। अच्छा पठान मूवी के बारे में बताएं। भैया मूवी तो चाहे जोन से भी हो ठीक है, अपना एंटरटेनमेंट हो जाता है, लेकिन जो हमें ये चीज एक फील हुई है और हमारे सनातन समाज को भी फील हुई है कि भैया ये बोला जा रहा है कि उसमें भगवा कलर के लिए कुछ बोला गया है। कलर तो बहुत है, उसके बारे में बोलो ना, भगवा के बारे में बोलोगे तो पेला जाएगा भैया, हम तो ये बोलेंगे भगवा के बारे में बोलेंगे तो पेला जाएगा। अच्छा ये बताइए कलर तो कोई भी हो सकता है, तो वही कलर क्यों चुना है? यही तो बात है, और तो कोई हमें तो किसी से दिक्कत नहीं है भाई, भगवा के बारे में बोलेंगे तो पेलेंगे भैया साहब बोले। अच्छा, शाहरुख खान से कोई दिक्कत है भैया? हमें ना किसी से दिक्कत है कुछ भी, चलिए इन्हें सिर्फ ये कलर से दिक्कत है। भैया कलर कलर से नहीं, हमें हिंदुत्व से भी दिक्कत है, अगर तो इसके बारे में कोई बोलेगा तो फिर तो अच्छी तरह पेलेंगे। बिल्कुल हिंदुत्व की बात होगी तो फिर भी पेला जाएगा जी बिल्कुल। पठान मूवी का ओपिनियन ये है जी, जो इन्होंने दिखा रखा है भगवा मतलब भगवा कलर के बारे में बिल्कुल गलत है। इनकी पहले से यही स्ट्रेटजी रही बॉलीवुड वालों की, कभी पद्मावत पे ऐसे ही कभी कुछ जान पूछ के ये, जिससे विवाद हो जाए और इनकी मूवी हिट हो जाए विवाद में आके, यानी पैसा कमाने का फंडा है। हाँ जी पैसा कमाने का फंडा है, भावनाओं को ठेस पहुंचा के पैसा कमा रहे हैं। इस चीज को नहीं देखते कि हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचेगी, इस चीज को नहीं देखते, बस इसमें पैसे से मतलब है। अच्छा वो कौन सा कलर का इस्तेमाल हुआ थोड़ा ये भी बताएं? भगवा कलर का इस्तेमाल किया गया जी, जो बिल्कुल सरासर गलत है, और फिर उसमें ये भी कहा गया बेशरम रंग वगैरह, हम तो बिल्कुल विरोध में है इसके, मतलब विरोध में जाएंगे नहीं देखने। हाँ जी ना, तो हमें शाहरुख खान से प्रॉब्लम ना कुछ, हमें प्रॉब्लम है कि मतलब ये भगवा रंग दिखा गया और बेशरम रंग जो कहा गया बिल्कुल सरासर गलत बात। अच्छा पिक्चर बनी है तो क्या सेंसर बोर्ड को तो चाहिए था, ऐसा कलर क्यों पास कर रहा है? बिल्कुल गलत है जी, उन्हें देखना चाहिए था पहले कि जो ये कर रहे हैं, जो रिलीज कर रहे हैं मूवी, इससे जो हिंदू की भावनाओं को तो ठेस नहीं पहुंच रही, ये उन्हें ध्यान में रखना चाहिए था। देखने जाए कितना उत्साह है? बहुत ज्यादा। अच्छा ये बताइए तो मतलब इतना विरोध होने के बाद भी स्टूडेंट जा रहे थे, तो बड़ी कामयाबी की तरफ ले जा रहा है पिक्चर को। बस शाहरुख खान है, शाहरुख खान है तो सब कुछ ठीक है, बेशरम रंग भी जायज है, थोड़ा ओपन है बट ठीक है। चलिए यानी कल जाएंगे, कौन सा शो देखेंगे आप? हम 9:30 का शो। पठान बहुत क्रेज है लोगों को, इसका ना बहुत ज्यादा क्रेज हो रहा है, और मुझे भी है क्योंकि वैसे तो बायकॉट हो गया था इसके बारे में, मैं यही बोलूंगी कि बायकॉट के बारे कुछ लोग ऐसे हैं जो बायकॉट करना चाह रहे थे, बट आई डोंट थिंक बायकॉट करना चाहिए। बेशरम रंग पे क्या कहेंगे आप? बेशरम रंग बहुत लोग हैं जो उसे पसंद नहीं कर रहे हैं, बहुत लोग हैं जो नहीं पसंद कर रहे हैं। मैडम क्या कहते, कौन सा शो देखेंगे कल? अभी तो कोई डिसाइड नहीं है। कोई डिसाइड नहीं, यानी पिक्चर ठीक है या बैड है? जाना है वैसे, हम बहुत बिल्कुल पक्का जाएंगे क्योंकि मेरे पूरे स्टाफ ही बोल रहा है कि मैम जरूर जाएंगे। पता नहीं ऐसा क्या है मूवी में, वो तो हमें नहीं पता मूवी में क्या है, लेकिन हम जाएंगे। अच्छा आप स्टूडेंट हैं? नहीं मैं टीचर हूँ। अरे भाई मैडम है, मैडम खड़ी है और कह रही है कि पूरा स्टाफ देखने जाएगा, तो यानी पठान पठान से कोई लेना देना नहीं है, पठान पिक्चर देखेंगे? देखेंगे फैन है हम, इतनी पठान मूवी देखने जाएंगे और क्या देखने जाएंगे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद दिलजान। अरे दिलजान जी, दिलजान लगा देंगे आप पिक्चर देखने में? जी दिलो जान पूरी लगा देंगे और क्या। दिलजान कह रहे हैं कि दिलजान लगा के पिक्चर देखेंगे, पठान मूवी को कामयाब करेंगे आप? जी बिल्कुल। तो तुम्हारे अकेले टिकट लेने से कोई पठान मूवी कामयाब हो रही? अकेले थोड़ी ले रहे, पूरे गांव ने ले रखा है हमारे। अरे तो तुम्हारा गांव को पिक्चर हिट कर देगा? क्यों नहीं होने की,
पिक्चर हिट क्यों नहीं होने की आप बताओ क्यों नहीं होने की? अरे तो एक गांव में कितने आदमी होंगे? कितने होंगे हमारे गांव में कितने वोट है भाई? हमारे गांव में 300 वोट है। अरे तो 300 आदमियों को पिक्चर हिट कर रहे क्या? 300 वोट कहाँ से? अरे तुम्हारे यहाँ से 50,000 है, 50,000 आदमी और भी तो जाएंगे कहीं है थोड़ी, हम ये थोड़ी बोल लेंगे हम नहीं जा रहे, हम भी जाएंगे और भी तो जाएंगे। तो सपोर्ट क्यों कर रहे हो मुझे? किंग है यार, फैन है हम उन्हें के भाई। अच्छा भाई फैन बता रहे हैं, भाई फैन है तो भाई ठीक है, दिलजान लगा के फैन। भैया पठान मूवी में क्या कह रहे हैं आप? जी देखने जाएंगे। अरे तुम क्यों देखने जा रहे हो, उसका तो विरोध बहुत हो रहा। अरे विरोध हो रहा है तो होने दो यार, फैन है उसके। अरे फैन और नाम क्या है आपका? मोहम्मद सरफराज। अरे सरफराज भाई ये बताओ, जो पठान मूवी का इतना विरोध चल रहा है हिंदुस्तान के अंदर, तो फिर भी उसके बाद आप पिक्चर देखने जाओगे? जी अरे बरेली से आया, उसी के लिए आया मूवी देखने। बरेली में तो मैंने सुना सारे पागल है। अरे पागल नहीं, मैं उधर रुड़की गई हूँ। अच्छा रुड़की गई है तब भी पिक्चर देखने जाएंगे। जनता हमारे बीच में आ रही है, जनता से हम बात कर रहे हैं कि पठान मूवी पे क्या ओपिनियन दे रहे हैं, पठान मूवी हिट करेंगे या फ्लॉप करेंगे। जनता हमारे बीच में आ रही है, पठान मूवी अभी देखी नहीं हमने। नहीं तो पिक्चर अच्छी है या बुरी है? पिक्चर बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। और बेशरम रंग? बेशरम रंग भी बढ़िया है, कलर हट गया उसका। कलर हट गया, कब हटा? वो तो अभी पीछे दिखा रहे थे न्यूज में, हटा दिया यार। कलर तो गाने में वही है यार, तो कलर वही होगा लेकिन उसकी फिल्म हिट ही जाएगी। फिर भी देखोगे? देखेंगे, जरूर देखेंगे। पठान की कामयाबी है भैया, उसकी जो 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 चर्चा थी उसकी कामयाबी? भैया शाहरुख खान तो हर जगह फेमस है। अच्छा नाम बता दे अपना। मोहम्मद आरिफ। अरे मोहम्मद आरिफ साहब तुम्हारे लिए तो पठान बिल्कुल वैसे भी हिट रहेगा। मेरा भाई राजन है। ये राजन क्या कहते हैं भाई? नहीं नहीं ठीक मूवी है, अच्छी मूवी है, बट अभी ट्रेलर देखा है, अभी पूरी पिक्चर नहीं देखी है, उसके बाद। अरे अभी तो पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। मैं बहुत बड़ा फैन हूँ उस्ताद पठान का भाई। हम लोग रखे पूरे 25 टिकट बुक और 300 हमारे। नाम क्या है तुम्हारा? आमिर खान। आमिर यार तुम तो खुद खान हो यार, तुम तो आमिर खान का फैन हुआ, बहुत बड़ा फैन हूँ भाई। तो यार ये बताओ जो विरोध चल रहा है पठान का भाई, कुछ नहीं होने का, कोई विरोध नहीं होने का, कोई कुछ नहीं भाई। वो शाहरुख खान है भाई, किसका विरोध कर रहे यार? समझाओ यार थोड़ा बहुत यार, तो देखो किसका विरोध यार। तो एक ऐसा कलर पहन के आने का क्या मतलब, क्या था बेशरम रंग क्या है वो? देख कलर 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 के ऊपर क्या यार, कलर कलर के ऊपर गाना नहीं है, कलर के ऊपर गाना नहीं है भाई वो। अच्छा गाने का मतलब क्या है बताएं? गाने का जो गाना सुना आपने? अरे यार सुना, वो गाना सुनाओ कैमरे पे सुनाओ। कौन सा वाला? यही गाना जो है। गाना नहीं सुनाता बस, लेकिन भाई शाहरुख खान का मैं इतना बड़ा फैन हूँ, जो ये लोग बाग बायकॉट कर रहे ना शाहरुख खान का, ये बहुत बड़ी गलती कर रहे है भाई। सपोर्ट कर रहे हैं वो दुबई का बादशाह है, बादशाह जिसका वो है, जिसको किंग है वो, दुबई का किंग शाहरुख खान भाई। अभी पता चला तो किसका बायकॉट कर रहे हो तो पूछो इनसे। चने बिकवाने की बात कर रहे हैं, आने वाली तुम्हारी पीढ़ी को खरीद लेगा वो बादशाह है। तुम्हें कितने में खरीदा उसने? अरे नहीं मुझे क्यों खरीदता यार भाई, मैं फैन हूँ शाहरुख खान। तुम्हारे लिए टिकट तो फ्री हुआ होगा कम से कम, जब इतने बड़े फैन हो। टिकट भी फ्री नहीं हुआ, लेकिन घर का बच्चा बच्चा पिक्चर देखने जा रहा भाई। ठीक है भाई, ये वो जनता है जो शाहरुख खान को सपोर्ट कर रही है, चाहे उन्होंने किसी से उधार पैसे पकड़े हो, लेकिन कल पिक्चर देखने जाएंगे। 300 बुक है भाई मेरे कल के, सुबह का दोपहर का और रात का। देख रहे हैं भाई 3 शो बुक करा रखे, घर से कह के निकलेंगे हम पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन 3 शो देखेंगे। मैं चाहूंगा तुम्हारे घर वाले भी मेरा चैनल देखें। अरे नहीं भाई, मैं तो जियो में काम करता हूँ, मैं पढ़ भी रहा हूँ, जितने भी कस्टमर मेरे पास आ रहे हैं ना मैं सबको बता के भेज रहा भाई, पठान जरूर देखनी। अगर किसी ने मना कर देना पठान नहीं देखनी, कस्टमर को वापसी भगा दे, सिम नहीं दिया। अरे भाई वफादारी हो तो ऐसी हो भाई, बेहतरीन वफादारी। पठान देखनी ना, 3 नकान मेरा दोस्त पठान, सुपर हिट ब्लॉकबस्टर में जाएगी वो पठान भाई साहब। फ्लॉप बास्टर कह रहे हैं, फ्लॉप बास्टर। अरे ब्लॉक बास्टर कह रहा भाई, भाई कह रहे हैं भाई पूरी तरह फ्लॉप नहीं ब्लॉक बास्टर। कौन से चैनल पे आओगे भाई? आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मनमेह झांक। ट्रेलर तो अच्छा लग रहा है। मैं नहीं देखी हूँ अभी ट्रेलर, और सॉन्ग देखी हूँ तो सॉन्ग थोड़ा सा वो है अपवर्ड। देश में अलग अलग राय आ रही है, लोगों की अलग अलग प्रतिक्रिया आ रही है, और पठान मूवी पे स्टूडेंट ज्यादातर ये कह रहे हैं कि भाई एक रंग है, एक मूवी है, इसमें कोई विवाद नहीं होना चाहिए। हमारे बीच में आप बताए पठान मूवी के बारे में आपका क्या कहना है? पठान मूवी तो फ्लॉप है। फ्लॉप है? किन कारणों से फ्लॉप है? शाहरुख खान की हरकतों की वजह से फ्लॉप है। शाहरुख खान की हरकतों से? खुल के बताएं आप चैनल पे हो आप। एक तो देश के लिए कुछ नहीं करता है, पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, तो इसलिए हम उसकी मूवी नहीं देखेंगे, बॉयकॉट करेंगे। अच्छा और सुना है कि कलर भी कोई लाए हैं गाने के अंदर जिसको लेके विवाद है, वो दीपिका पादुकोण ने केसर रंग की बिकनी पहननी है, तो उसके हम खिलाफ है। तो विरोध तो दीपिका भी होना चाहिए, दीपिका का दीपिका होगा विरोध, क्योंकि वो JNU गई थी यूनिवर्सिटी, 6-5 फिल्म फ्लॉप गई थी उसकी। और अच्छा और क्या शिकायत है? कल स्टूडेंट है आप या क्या है? मैं शॉपकीपर हूँ। अच्छा आप शॉपकीपर हैं, तो ये बताइए स्टूडेंट भी हूँ। स्टूडेंट भी है, कल क्योंकि रिलीज होगी पठान मूवी तो पूरी तरह फ्लॉप जाएगी? फ्लॉप जाएगी, पक्का पक्का फ्लॉप जाएगी। दो बार सोच रहे हैं, पहले दिन अच्छा बिजनेस करेगी, ठग्स ऑफ हिंदुस्तान ने भी अच्छा बिजनेस किया था, लेकिन लाइफ टाइम कलेक्शन उसका 120 नहीं बढ़ गया था। अच्छा आप सिर्फ उत्तराखंड देख रहे हैं या पूरा भारत देख रहे हैं? पूरा भारत।
पूरे भारत में फ्लॉप जाएगी, पूरे भारत में फ्लॉप। चलिए ये बता, अच्छा अपना नाम नहीं बताया आपने। मेरा सुमित। सुनील बता रहे हैं कि भाई पूरे देश में फ्लॉप जाएगी, हालांकि स्टूडेंट की तो राय है कि पूरी तरह हिट जाएगी। अपना अपना नजरिया है, अपना अपना नजरिया है। तो मैं यहाँ बारी बारी जनता से बात करूंगा कि वो पिक्चर एक कल 26 जनवरी को परसों गांधी कोर्ट से रिलीज होगी, वो देखने जाएंगे। गांधी कोर्ट से रिलीज होगी, बस पठान फिल्म बढ़िया जाएगी, सुपर जाएगी, हिट जाएगी। सुपर किन कारणों से जाएगी? बस जनता उसे करे लाइक, जनता लाइक करेगी। तो आप जाओगे देखने? जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। टिकट ले लिया आपने पहले? टिकट बुक करवा दिया मैंने, टिकट बुक करा रखा है। चलिए, नाम क्या है आपका? रोहित। रोहित,